plantar fascia basically is a structure that is connecting the heel bone to the forefoot. It is a band-like structure and help in support of the foot and stability of the foot while walking. Plantar fasciitis is a very common thing. आम लोग इसको एडी में पेन कहते हैं कि मैं सुबह उठती हूँ मेरे को एडी में दर्द होता है, मेरे को चलने में दर्द होता है, जब मैं पहला कदम रखती हूँ तो मेरे को बहुत दर्द होता है, मैं चल नहीं पाती और कुछ दूर करके मैं चल पाती हूँ, तो कई बार मैं उबड़ खाबड़ सरफेस पे मैं चलती हूँ तो मुझे कुछ चुभने की महसूस होती है. तो कॉज आर कि लोग जो है कई बार लोग काफ़ी वेट ज़्यादा होता है उनका, तो एंकल जॉइंट पे प्रेशर बहुत होता है, तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है. ये कुछ लोग, इट इज़ मोर कॉमन इन डायबिटिक्स, तो जिनमें डायबिटिक्स होता है उनमें कॉमन होता है, या यूरिक एसिड उनका हाई होता है, तो उन केसेस में भी प्लांटर फेसाइटिस देखा गया है. या फीमेल्स में बहुत कॉमन है क्योंकि वो हाई हील्स पहनती हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी ए कॉज ऑफ प्लांटर फेसाइटिस. काफ़ी मरीजों में देखा गया है कि जिनमें प्लांटर फेसाइटिस होता है, क्योंकि प्लांटर फेसिया जो होती है वो एडी से पूरे तलवे तक जाती है, तो उनमें कुछ लोगों को जलन भी होती है. वो कहते हैं कि मेरे पूरे पैर के तले में पूरी जलन हो रही है. डायग्नोसिस ऑफ प्लांटर फेसाइटिस इज ऑल्दो क्लिनिकल, कि हम पेशेंट बताता है कॉमन डिजीज़ है तो हम उसको दबा के देखते हैं एडी में. अगर दबाने से कई बार हमें लगता है कि वहाँ टेंडरनेस है, पेनफुल है, पेशेंट विंस करता है पेन में, या उसको पूरे तलवे तक उसका जो है दर्द जा रहा है और पेशेंट को जो है चलने में दिक्कत हो रही है, तो डायग्नोसिस ऑलमोस्ट क्लिनिकल. नहीं तो कई बार हमें एक्सरे करवा के देखना पड़ता है कि जो एडी की बोन है दैट वी कॉल कैल्केनियम, उसमें कोई स्पर बना हुआ है, तो उस कारण से भी जो है प्लांटर फेसाइटिस हो सकता है. ऑल्दो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो है द स्पर इज़ नॉट द कॉज ऑफ प्लांटर फेसाइटिस. तो और कुछ लोगों में जो है काफ में पेन होता है, खिंचाव रहता है, चलने में दिक्कत होती है, तो हमारा डायग्नोसिस यूजली क्लिनिकल ही हम इसको बना सकते हैं. इसको ये है कि हम जो है वेट रिडक्शन प्रोग्राम करें कि अपना वेट ना बढ़ने दें. फीमेल्स के लिए ये है कि अवॉइड करें हाई हील्स ना पहने वो, और चलते वक्त ये ध्यान रखें कि ऊबड़ खाबड़ सरफेस पे ना चलें, पथरीले पत्थर को ध्यान से देखें. प्रिवेंशन के लिए ये है कि हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा वेट ना बढ़े, और अगर उसका कोई हम कॉज ढूंढते हैं, जैसे काफ़ी पेशेंट्स में यूरिक एसिड बढ़ा होता है या काफ़ी में डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होती है, तो उनका हमें फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ना बढ़ें, कंट्रोल रहें. और अगर कोई पुरानी इंजरी हुई है तो उससे रिहैबिलिटेशन पूरा हो, क्योंकि ये देखा गया है कि फीमेल्स जो हाई हील्स पहनती हैं तो उनमें भी ये कॉमन है, तो हमें हील्स का जो है हाइट है वो कम रखनी पड़ेगी. और अगर शूज़ या कुछ पहन रहे हैं तो अगर हो चुका है हमें ये प्लांटर फेसाइटिस, तो उस दौरान हमें ठंडी सिकाई करनी पड़ेगी और कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस लेनी पड़ेगी. जब ये सूजन और टेंडरनेस और पेन कम हो जाएगा तो हमें रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा. ये देखा गया है कि फीमेल्स हाई हील्स पहनती हैं तो उन पेशेंट्स में जो है ये कॉमन देखा गया है, तो उन केसेस में हम उनको एडवाइस करते हैं कि वो हील्स की जो हाइट है वो कम लें और अपना वेट रिड्यूस रखें, और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो वो नियमित रूप से करती रहें.